क्या आप परेशान हो अपने फैशन सेंस से? क्या आप बदलना चाहते हो अपने वार्डरोब के कलेक्शंस अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फैशन? क्या आप उस लेटेस्ट फैशन के ड्रेसेस पहनकर भी अपने फ्रेंड्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो? तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त हुआ न्यू ऑन द चैनल, दिस इज रश्मि रहमत। तो सबसे पहली बात कि जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा जो बॉडी शेप है, जो फिगर है, वो सबकी एक जैसी नहीं होती है। और जब कुछ ट्रेंड आता है तो हम सारे होड़ में लग जाते हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपने बॉडी फिगर को समझना है कि हम किस शेप के हैं, किस साइज के हैं, और उसके अकॉर्डिंग फैशन को अडेप्ट करना है। हाँ अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पार्सल को लेकर जो अभी जस्ट आया है, और मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। वाओ, लुक एट दिस बैग, ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग, इट्स लुकिंग टू ब्यूटीफुल। तो ये आपके लुक को और भी ज्यादा इन्हांस कर सकता है, क्योंकि एसेसरीज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके ड्रेसअप और फैशन स्टाइल के साथ। ये बैग मैंने ज़ूक से ऑर्डर करा है एंड इट्स टू गुड। ज़ूक के बारे में बता दूं, ये बैग जो है 100% विगन है एंड प्राउडली इंडियन मेड है। सुपर 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 हैप्पी विद दिस बैग। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हो इसकी ब्रांड। So those who are really interested to purchase these kind of bag, so you can use my coupon code which is in the description box for extra 12% discount. अगर मैं इसके स्पेस की बात करूँ, इसमें आप बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हो। Look at this, कितना सारा पेपर इसके अंदर आ चुका है। इसमें आपको सामने एक चेन मिलता है और ये सामने फ्रंट चेन, बहुत ही क्लासी चेन है। एंड आई रियली प्रमोट देम, जो 100% वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ उनको। ये वॉयलेंट फ्री होते हैं एंड प्राउडली इंडियन मेड है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन ट्रेंड है, उनको आगे बढ़ा रहा है। और इस तरीके का पैटर्न मिलना इंडियन फैब्रिक के साथ, मीन्स जूट के साथ इन्होंने क्रिएट किया है इस तरीके का। इसके जो बकल्स लगे हुए हैं बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड सोबर लग रहा है। So those who are really interested in this bag, इसका बहुत अच्छा अच्छा collections भी आप देख सकते हो। ज़ूक हर तरीके का bag बनाता है, चाहे वो slim bag हो, tote bag हो, या आप luggage bag चाहते हो, laptop bag चाहते हो, आप इसको Instagram पे भी follow कर सकते हो। मैं आपको सारे ही links description box में दे दूंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करो कि आपका बॉडी फिगर या आपका बॉडी शेप जो है वो किस कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो आपको मेजरमेंट करनी है अपने बस्ट, अपने बस्ट लाइन के नीचे और हिप एरिया को। इससे आप बहुत ही इजी वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने बॉडी शेप को, अपने बॉडी फिगर को। और भी एक डिफरेंट तरीका है कि आप अपने बॉडी का जो सबसे हेवीएस्ट एरिया है, जो आपका हेवी जोन है, उसको आप रिकॉग्नाइज करो। या तो वो अपर साइड होगा या फिर वो आपका लोअर साइड होगा। इन दोनों पोर्शन में से जो भी आपका हेवीएस्ट पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो अपने बॉडी फिगर को या अपने बॉडी शेप को। आज बात करने वाले हैं एप्पल बॉडी फिगर को किस तरीके से ड्रेस अप करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल बॉडी शेप या इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप लोगों में, नेहा कक्कर, सोनाक्षी सिन्हा, इनको कौन नहीं जानता है। और इससे आपको थोड़ा इंकरेजमेंट मिला होगा कि आपका बॉडी शेप भी एक सेलिब्रेटिक बॉडी शेप है। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के आपको ड्रेसेस पहनने हैं, किस तरीके के आप फैशन सेंस को अगर आप अडेप्ट करो तो आप बहुत ज्यादा ग्रेसी लगोगे, बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगोगे। एप्पल बॉडी शेप वाले होते हैं, उनका बॉस्ट एरिया जो होता है वो हैवी होता है एज कम्पेयर आपका हिप एरिया। आपके शोल्डर स्लिम होते हैं, आपके पैर होते हैं वो पतले होते हैं, हाथ पतले होते हैं। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं इनमें हम इल्यूजन क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो हिप एरिया जो है वो वाइडर लगे। तो हमें कुछ चेंजेस लाने हैं अपने ड्रेस के अंदर, हमें कुछ चेंजेस लाने हैं अपने फैशन में। बात करते हैं डू एंड डोंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे डू की, क्या आपको करना चाहिए। जो इस तरीके के बॉडी शेप वाले हैं
उनको टॉप में क्या पहनना चाहिए वो बताती हूँ पहले। तो आप सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप सॉफ्ट क्लोथ्स ज्यादा इस्तेमाल करो, ए लाइन ड्रेसेस पहनो, आप शर्ट पहनो जिस शर्ट की टाई जो है वो बस्ट लाइन के नीचे से फ्लेयर करती है। आप ज्यादा फ्लेयरी ड्रेस अगर ऊपर में पहन रहे हो बस्ट के ऊपर तो ये अवॉइड करो। आप वी नेक ज्यादा इस्तेमाल करो, आप टूनिक्स ट्राई कर सकते हो जो हिप तक जो टॉप आती है। अगर आप पार्टी वेयर ड्रेसेस ट्राई कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि श्रग वेयर ड्रेसेस ज्यादा पहनो। श्रग जो होता है वो आपके एरिया को ज्यादा डिफाइन नहीं करने देता है और बहुत ही क्लासी लुक देता है। अगर मैं स्लीव्स की बात करूं तो आप पे पफ स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है जिसमें आगे से कप बने होते हैं। आप नेहा कक्कर को फॉलो किए होंगे और आपने सोनाक्षी सिन्हा को देखा होगा, उन्होंने भी ड्रेस पहना है उसमें पफ स्लीव्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस का काफी इस्तेमाल किया है। स्लीवलेस आप पे काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है, या तो आप फुल स्लीव्स भी पहनोगे, आगे में आपके चूनट आ रहे हैं रिस्ट के पास तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। चलिए तो आप फटाफट से बात करते हैं कि आपको बॉटम में क्या पहनना चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा पैर और हाथ जो है वो स्लिमर एरिया है तो हमको अपने पैर को वाइडर बनाना है, तो हम बूट कप जींसेस पहन सकते हैं, हम फ्लेयर्ड बॉटम जींस पहन सकते हैं जो नीचे के एरिया में खुले होते हैं, और हम धोती पैंट ट्राई कर सकते हैं, आप लॉन्ग स्कर्ट ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक देने वाला है। वहीं आप ट्राई कर सकते हो पैंट्स, जंप सूट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो इन सारे ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो। अब हम बात करेंगे फटाफट से डोंट्स के बारे में, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज अवॉइड स्लिम फिट ड्रेसेस, आप अवॉइड करोगे नीचे जो लिम्स एरिया है, जो आपका पैर है वो ऑलरेडी स्लिमर एरिया है, तो आप जेगिंग्स अवॉइड करोगे, आप स्लिम फिट जीन्स अवॉइड करोगे, और ऊपर अगर मैं शोल्डर की बात करूँ तो आपका शोल्डर भी स्लिमर एरिया है तो आप फुल पैक ड्रेसेस नहीं पहनोगे, हाफ स्लीव्स आप पर बिल्कुल सूट नहीं करने वाली है। अगर आप ट्राई कर रहे हो ऑफ शोल्डर्स तो काइंडली ऑफ शोल्डर्स ना पहनो, उसके जगह आप कट स्लीव्स पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा आपके ऊपर। अगर आप पहन रहे हो बॉडी कोन तो प्लीज अवॉइड करिए बॉडी कोन से, ज्यादा आप पे ए लाइन ड्रेसेस चलेंगे। वन पीस में भी आपके कैटेगरीज के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, अगर आप चाहते हो कुछ ड्रेसेस तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। तो आपका जो बॉडी शेप और फिगर है उसमें आपको स्टिचिंग का काफी ज्यादा ख्याल रखना है, आप वेल स्टिचेस ड्रेसेस पहनोगे, ऐसा रफ स्टिच नहीं पहनना है आपको, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को एक डिफाइंड शेप देना है, आपको अपने हिप एरिया को वाइडर शो करना है। तो मैं दो चार कलेक्शंस आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर आई हूँ, जरूर से जरूर चेक करना। और नए बॉडी शेप एंड साइज के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स में करिए इसे शेयर, कमेंट बिलो, विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।